हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सबको शिक्षा पर। आज मैं मैथमेटिक्स इस टॉपिक के बेसिक थ्योरी इस सब टॉपिक के ऊपर फिफ्थ क्विज लाया हूँ। अभी तक हमने चार क्विज कंप्लीट कर चुके हैं, फोर क्विज कंप्लीट कर चुके हैं, ये फिफ्थ क्विज है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने, व्हाट इज़ द डिजिट 6 इन द इक्वेशन 48 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल्स टू 8 कॉल्ड एज। जो डिजिट 6 है इक्वेशन में उसे क्या कहा जाता है? डिवाइडेंट, डिविडेंट ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 डिवाइजर, ऑप्शन नंबर 3 कोशेंट एंड ऑप्शन नंबर 4 इज ऑल ऑफ दिस। मैं फिर से क्वेश्चन दोहराता हूँ, व्हाट इज द डिजिट 6 इन द इक्वेशन 48 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल्स टू 8 कॉल्ड एज। उसे डिविडेंट कहते हैं 6 इस डिजिट को, यानी कि जिस पोजिशन पर है 6, 48 डिवाइड बाय 6 से डिविडेंड कहते हैं, डिवाइजर कहते हैं, क्वेश्चन कहते हैं, या ये तीनों कहते हैं, ऑल ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास है 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, डिवाइजर इज द डिजिट 6 इन द इक्वेशन 48 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल्स टू 8 कॉल्ड, और द डिजिट 6 इन द इक्वेशन 48 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल्स टू 8 इज कॉल्ड डिवाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज ए पॉलीगॉन विथ 12 साइड्स नोन एज। जिस पॉलीगॉन के पास 12 साइड्स यानी कि 12 साइड्स होते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 डेकागॉन, ऑप्शन नंबर 2 डोडेकागॉन, ऑप्शन नंबर 3 डेकाहेड्रॉन, ऑप्शन नंबर 4 डोडेकाहेड्रॉन। तीन चारों में से क्या कहते हैं जिस पॉलीगॉन के पास 12 साइड्स होते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास है 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, डोडेकागॉन। पॉलीगॉन विथ 12 साइड्स नोन एज डोडेकागॉन, और डोडेकागॉन इज ए पॉलीगॉन विथ 12 साइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इन ज्योमेट्री व्हाट लाइन दैट इंटरसेक्ट द टू प्लेन फेसेस इज कॉल्ड। ज्योमेट्री में जो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं दो प्लेन फेसेस को उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 कॉर्नर, ऑप्शन नंबर 2 एज, ऑप्शन नंबर 3 वर्ज एंड ऑप्शन नंबर 4 इज फ्रिंज। तीन चारों में से क्या कहते किसे उस लाइन को कहते हैं जो इंटरसेक्ट करते हैं टू प्लेन फेसेस को? इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 एज। इन ज्योमेट्री द लाइन दैट इंटरसेक्ट द टू प्लेन फेसेस इज कॉल्ड एज, और एज इज द लाइन दैट इंटरसेक्ट द टू प्लेन फेसेस इन ज्योमेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच एंगल्स ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल्स आर ऑलवेज। इक्विलैटरल ट्राइंगल के जो एंगल्स होते हैं उनकी डिग्री क्या होती है हमेशा? ऑप्शन नंबर 1 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर 2 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर 3 90 डिग्री एंड ऑप्शन नंबर 4 इज 120 डिग्री। इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 60 डिग्री। 60 डिग्री इज द एंगल्स ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑलवेज, एंड एंगल्स ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल आर ऑलवेज 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 2 इज नोन एज। जो नंबर डिविजिबल बाय 2 होता है, यानी कि जो नंबर डिविजिबल होता है 2 से उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 ऑड नंबर, ऑप्शन नंबर 2 इवन नंबर, ऑप्शन नंबर 3 होल नंबर, या ऑप्शन नंबर 4 सेकेंडरी नंबर।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, इवन नंबर। द नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 2 इज नोन एज इवन नंबर, और इवन नंबर इज द नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज एनीथिंग विदाउट बाउंड्स ऑफ साइज ऑफ नंबर अनलिमिटेड एंड एंडलेस नोन एज। नीचे देखिए में से किसे एनीथिंग विदाउट बाउंड ऑफ साइज ऑफ नंबर, नीचे देखिए में से कौन सा वर्ड इसे डिफाइन करता है जो किसी भी साइज के नंबर से बाउंड नहीं करता, अनलिमिटेड है और एंडलेस है। ऑप्शन नंबर 1 फाइनाइट, ऑप्शन नंबर 2 इनफाइनाइट, ऑप्शन नंबर 3 डिफाइनाइट एंड ऑप्शन नंबर 4 इनडिफाइनाइट। तो इन चारों में से किसे कहा जाता है एनीथिंग विदाउट बाउंड्स ऑफ साइज ऑफ नंबर अनलिमिटेड एंड एंडलेस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 इनफाइनाइट। व्हाट इज एनीथिंग विदाउट बाउंड्स ऑफ साइज ऑफ नंबर अनलिमिटेड एंड एंडलेस नोन एज इनफाइनाइट, एंड इनफाइनाइट इज एनीथिंग विदाउट बाउंड ऑफ साइज ऑफ नंबर अनलिमिटेड एंड एंडलेस नोन एज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज ग्रेटर दैन द डिनोमिनेटर 7/4 इज कॉल्ड। उस फ्रैक्शन को क्या कहा जाता है जब न्यूमरेटर ये ग्रेटर दैन होता है डिनोमिनेटर से। सिंपल फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इन चारों में से उस फ्रैक्शन को क्या कहा जाता है व्हेन द न्यूमरेटर इज ग्रेटर दैन द डिनोमिनेटर। इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज द फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज ग्रेटर दैन द डिनोमिनेटर, और द फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज ग्रेटर दैन द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अ पिरामिड कट बाय अ प्लेन पैरेलल टू द पिरामिड बेस इज कॉल्ड। एक पिरामिड जो कट किया गया है प्लेन से पैरेलल टू द पिरामिड बेस, बेस के पिरामिड के पैरेलल से, उसे क्या कहते हैं। रस्टम ऑप्शन नंबर 1, फ्रस्टम ऑप्शन नंबर 2, फ्रम ऑप्शन नंबर 3, फ्रस्टल ऑप्शन नंबर 4। इन चारों में से उस पिरामिड को क्या कहा जाता है जब पिरामिड के बेस के पैरेलल प्लेन पे उसे कट किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 फ्रस्टम। अ पिरामिड कट बाय अ प्लेन पैरेलल टू द पिरामिड्स बेस इज कॉल्ड फ्रस्टम, और फ्रस्टम इज ए पिरामिड कट बाय अ प्लेन पैरेलल टू ए पिरामिड्स बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द रेशियो ऑफ हाइट बाय बेस और राइज बाय रन कॉल्ड। उस रेशियो को क्या कहा जाता है, यानी कि हाइट बाय बेस और राइज बाय रन, इस रेशियो को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 स्लोप, ऑप्शन नंबर 2 ग्रेडियंट, ऑप्शन नंबर 3 पिच एंड ऑप्शन नंबर 4 इज ऑल ऑफ दिस। इन चारों में से क्या कहा जाता है उस रेशियो को, हाइट बाय बेस के और राइज बाय रन के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ दिस। द रेशियो ऑफ हाइट बाय बेस और राइज बाय रन कॉल्ड स्लोप, ग्रेडियंट एंड पिच, ऑल द 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द रेगुलर लाइन्स दैट गो अक्रॉस अप एंड डाउन एंड ऑफ्टन फाउंड ऑन मैप्स एंड ग्राफ इज कॉल्ड। जो रेगुलर लाइन्स होते हैं जो गो अक्रॉस होते हैं, अप होते हैं, डाउन होते हैं, ऑफ्टन फाउंड ऑन मैप्स एंड ग्राफ इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 जियोमेट्री, ऑप्शन नंबर 2 आइसोमेट्री, ऑप्शन नंबर 3 ग्रीड एंड ऑप्शन नंबर 4 इज ट्रीड।
तो इन चारों में से उसे क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ग्रीड। द रेगुलर लाइंस दैट गो अक्रॉस अप एंड डाउन ऑफ्टन फाउंड ऑन मैप्स एंड ग्राफ इज कॉल्ड ग्रीड, उसे ग्रीड कहते हैं। और द ग्रीड इज द रेगुलर लाइंस आर द रेगुलर लाइंस दैट गो अक्रॉस अप एंड डाउन ऑफ्टन फाउंड ऑन मैप्स एंड ग्राफ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द एरिया ऑफ ए स्क्वेयर विथ साइड्स मेजरिंग 100 मीटर। उस स्क्वेयर के एरिया को क्या कहा जाता है जब उसकी साइड मेजरिंग 100 मीटर, जब किसी स्क्वेयर की एक साइड 100 मीटर होती है तो उसके एरिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1, 1 एकर, ऑप्शन नंबर 2, 1 हेक्टर, ऑप्शन नंबर 3, 1 सेंट एंड ऑप्शन नंबर 4 इज 1 पिंट। तो इन चारों में से उसे क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 1 हेक्टर। 1 हेक्टर इज द एरिया ऑफ ए स्क्वेयर विथ साइड्स मेजरिंग 100 मीटर, और द एरिया ऑफ ए स्क्वेयर विथ साइड्स मेजरिंग 100 मीटर इज 1 हेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द टर्म फॉर जजिंग द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स बाय लिफ्टिंग देम इन द हैंड्स। ऑप्शन नंबर 1, लिफ्ट, ऑप्शन नंबर 2, हेफ्ट, ऑप्शन नंबर 3 इज क्लिफ्ट एंड ऑप्शन नंबर 4 इज डिप्ट। उस टर्म को क्या कहा जाता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट की वेट को हम जस्ट लिफ्ट करके हमारे हैंड में उसे जज करने की ट्राई करते कि उसका वेट कितना होगा उस ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करके अपने हैंड्स में। ऑप्शन नंबर 1, लिफ्ट, ऑप्शन नंबर 2, हेफ्ट, ऑप्शन नंबर 3 इज क्लिफ्ट एंड ऑप्शन नंबर 4 इज डिप्ट। तो इन चारों में से उसका सही आंसर कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, हेफ्ट। द टर्म फॉर जजिंग द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स बाय लिफ्टिंग देम इन द हैंड इज हेफ्ट, और हेफ्ट इज द टर्म फॉर जजिंग द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स बाय लिफ्टिंग देम इन द हैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द टर्म फॉर ए स्पेस शेप फॉर्म बाय द इंटरसेक्टिंग 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। उस शेप को कौन सा नाम है जब जो वो फॉर्म होता है इंटरसेक्टिंग 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, जब 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स को इंटरसेक्ट करते हैं तब एक शेप तैयार होता है, उस शेप को कौन सी टर्म से हम डिस्क्राइब करते हैं? ऑप्शन नंबर 1, हेक्सागन, ऑप्शन नंबर 2, हेक्साहेड्रॉन, ऑप्शन नंबर 3 इज हेक्साग्राम एंड ऑप्शन नंबर 4 इज हेक्सेन। इन चारों में से कौन सा? हेक्सागन, हेक्साहेड्रॉन, हेक्साग्राम, हेक्सेन। इन चारों में से किसे वो टर्म के क्या जाता है जब फॉर ए शेप फॉर्म बाय द इंटरसेक्टिंग 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, हेक्सागन। हेक्सागन इज द टर्म फॉर ए शेप फॉर्म बाय द इंटरसेक्टिंग 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, और द टर्म फॉर ए शेप फॉर्म बाय द इंटरसेक्टिंग 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स इज हेक्सागन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए राइट ट्राइंगल विच इज डायरेक्टली अपोजिट टू द राइट एंगल इज नोन एज। जो लॉन्गेस्ट साइड होती है राइट ट्राइंगल की, जो डायरेक्टली अपोजिट होते हैं राइट एंगल से, राइट एंगल के जो होता है राइट एंगल उसके ऑपोजिट होता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1, हेक्साट्यूनस, ऑप्शन नंबर 2, हाइपोटेन्यूस, ऑप्शन नंबर 3 इज हेक्साटूज एंड ऑप्शन नंबर 4 इज हाइपोटूज। इन चारों में से उसे क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, हाइपोटेनस।
द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट ट्राइंगल विच इज डायरेक्टली अपोजिट टू द राइट एंगल इज नोन एज हाइपोटेन्यूस, और हाइपोटेन्यूस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट ट्राइंगल विच इज डायरेक्टली अपोजिट टू द राइट एंगल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विच ईयर अमॉन्ग दिस इज नॉट ए लीप ईयर, नीचे दिए गए में से कौन सा लीप ईयर नहीं है. ऑप्शन नंबर 1200, ऑप्शन नंबर 2 1600, ऑप्शन नंबर 3 इज 2000 एंड ऑप्शन नंबर 4 इज 2050. तो इन चारों में से कौन सा लीप ईयर नहीं है. बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकंड्स. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 2050. नीचे दिखे में से कौन सा लीप ईयर नहीं था, 2050. बड़ा ही सिंपल आंसर है, और इसे आप फाइंड कैसे कर सकते हैं. अगर आपको पता करना हो कि वो लीप ईयर है कि नहीं, बस उस ईयर को 4 से डिवाइड कर दीजिए. अगर वो 4 से डिवाइड हो जाए तो वो लीप ईयर है, और अगर वो ना हो तो वो लीप ईयर नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, वॉट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM ऑफ 2 एंड 3 फॉर द नंबर्स फ्रॉम 1 to 25. तो इनमें से कौन सा, नीचे दिए गए में से कौन सा लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है 2 और 3 का, कितने नंबर्स के बिटवीन 1 to 25. तो उसके ऑप्शन है 6, 12, 18 या 24. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है 10 सेकेंड्स. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 6. 6 इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM ऑफ 2 and 3 फॉर द नंबर्स फ्रॉम 1 to 25. एक से 25 तक 2 और 3 का जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो 6 है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, वॉट इज ओनली पॉसिबल टू ड्रॉ ऑन एनी 2 points. 2 points में कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर सकते हैं. अगर हमें सिर्फ 2 ही points मिले तो कौन सा स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर सकते हैं और कौन सा पॉसिबल होता है. ऑप्शन नंबर 1 triangle, ऑप्शन नंबर 2 square, ऑप्शन नंबर 3 is rectangle एंड ऑप्शन नंबर 4 is straight line. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है स्ट्रेट लाइन. बड़ा ही सिंपल सा आंसर है. द ओनली पॉसिबल टू ड्रॉ ऑन एनी 2 points इज स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन इज द ओनली पॉसिबल टू ड्रॉ ऑन एनी 2 points. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, टू विच ऑफ दिस नंबर ऑफ डाटा द मीडियन इज 7. नीचे दिए में से नंबर्स को अगर हम टैली करें या फिर जिस तरह से हम आंसर कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं मीडियन का, तो उसका आंसर हमें 7 आना चाहिए. तो हम तो इनमें से कौन से वो नंबर लाइन है या फिर जो नंबर का सेट है या नंबर की जो हमें डाटा है उससे हम मीडियन 7 निकाल सकते हैं. उसका आंसर 7 है. तो इसका ऑप्शन है 2, 3, 5, 7, 9. ऑप्शन नंबर 1, इन नंबर्स से हमें मीडियन 7 मिलेगा. ऑप्शन नंबर 2, 5, 7, 9, 11, 13. ऑप्शन नंबर 3, 2, 4, 6, 8, 10, 12. ऑप्शन नंबर 4 is 4, 6, 8, 10, 12, 14. तो इस क्वेश्चन का ऐसे आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 2, 4, 6, 8, 10, 12. मीडियन निकल का सीधा साधा फॉर्मूला है, जो सभी डाटा है, नंबर्स डाटा है, जितने भी नंबर्स का डाटा है उसे ऐड कर लीजिए, फिर उसे जितने नंबर्स हैं यानी कि कितने नंबर्स दिए. टू यहाँ पे देखिए, ऑप्शन नंबर 1 पे 5 नंबर दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर 2 पे 6, ऑप्शन नंबर 7 पे 6, ऑप्शन नंबर 8 पे भी, ऑप्शन नंबर 4 पे भी, 3 पे कितने 6, ऑप्शन नंबर 4 पे भी 6. तो उन सब की एडिशन कर लीजिए जो नंबर्स दिए गए हैं,
फिर उससे जितने नंबर्स के डाटा हैं उससे डिवाइड कर लीजिए, जैसे 2, 4, 6 इनके एडिशन कर लीजिए, क्या मिलेगा आपको 12 + 8 42, 42 / 6 क्या मिलेगा 7, तो वो क्या है मीडियन 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज 46 फ्रॉम द इक्वेशन 46 - 18 = 28। तो जो इक्वेशन है 46 - 18 = 28, तो इनमें 46 का रोल क्या है, वो क्या है, ऑप्शन नंबर 1 मिन्यूएंड, ऑप्शन नंबर 2 सब्सटेंड, ऑप्शन नंबर 3 डिफरेंस, ऑप्शन नंबर 4 इज नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का बहुत ही सिंपल आंसर है, तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मिन्यूएंड इज द 46 इज द रोल ऑफ 46 इन द इक्वेशन 46 - 18 = 28। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इन स्टैटिस्टिक्स व्हाट डिजिट और नंबर दैट ऑकर्स मोस्ट ऑफ्टन इन ए सेट ऑफ डाटा इज कॉल्ड। स्टैटिस्टिक में कौन सा डिजिट और नंबर होता है जो ऑकर होता है मोस्ट ऑफ्टन इन ए सेट ऑफ डाटा, ऑप्शन नंबर 1 एवरेज, ऑप्शन नंबर 2 मीन, ऑप्शन नंबर 3 इज मीडियन, ऑप्शन नंबर 4 इज मोड। तो इन चारों में से क्या जो होता है इन स्टैटिस्टिक में डिजिट और नंबर दैट ऑकर्स मोस्ट ऑफ्टन इन ए सेट ऑफ डाटा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 मोड। इन स्टैटिस्टिक द डिजिट और नंबर दैट ऑकर्स मोस्ट ऑफ्टन इन ए सेट ऑफ डाटा इज मोड, और मोड इज ए डिजिट और नंबर इन स्टैटिस्टिक दैट ऑकर्स मोस्ट ऑफ्टन इन ए सेट ऑफ डाटा। तो इसी तरह से फिफ्थ क्विज के हमने 20 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं, बेसिक थ्योरी इस सब टॉपिक के, जो मैथ का सब टॉपिक है बेसिक थ्योरी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इससे इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली हो, आपको कोई इन्फॉर्मेशन या फिर नॉलेज मिली हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल सबको शिक्षा को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमेशा पढ़ाई के लिए फोकस रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पढ़ाई में डालने के लिए ट्राई कीजिए और अपने पढ़ाई में कंसिस्टेंट रहिए। थैंक यू वेरी मच।